नमस्कार, वर्ल्ड बॉस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। आइए नजर डालते हैं दिनभर की बड़ी खबरों में। गुरु नानक देव जयंती की सभी दर्शकों को सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में आज बजैया 3 स्थित गुरुद्वारा से वाल्मीकि समाज के द्वारा नगर संकीर्तन शहर के विभिन्न मार्गों से निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के सदस्यों की उपस्थिति रही। देखिए खास रिपोर्ट। पार्टी के स्टार प्रचारक व दमोह पन्ना सांसद प्रहलाद पटेल ने आज बनवार में जवेरा विधानसभा के प्रत्याशी के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी भी मंच से साझा की। सुनिए क्या कहा सांसद प्रहलाद पटेल ने। ये बड़ा कार्यकर्ता हुआ है, लगातार धर्मेंद्र भाई के साथ चल रहे हैं चुनाव इस अभियान में। नसीदा आग्रह करूंगा भैया से हुआ है अपनी बात अपने स्थिति पर रखें। जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार है और जो लोग उस पर आपत्ति करते हैं उनसे कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। याद रखना, मैं धरती पर आया हूँ तो सिर्फ दो बातों के लिए आया हूँ, अच्छा करो और भूल जाओ। गलती करो तो जिंदगी भर याद रखना, लेकिन गलत काम करने वालों का विरोध कोई करे या ना करे, मैं वोट का सौदागर नहीं हूँ। जब वोट मांगता हूँ तब भी ऐसे ही बोलता हूँ, जब आप वोट देते हैं तब विनम्रता के साथ बोलता हूँ। मैं उस बुरे काम करने वाले व्यक्तियों का विरोधी था, विरोधी हूँ और जीवन भर विरोधी रहूंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि शराब जुआ सत्ता इस प्रकार के धंधे करने वाले लोग, आपस में लड़ाने वाले लोग समाज के दुश्मन हैं। उनका कोई विरोध करे या ना करे, प्रहलाद पटेल जैसा आदमी जरूर करेगा, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। और इसलिए मैं अच्छी बातों का, अच्छे लोगों का समर्थन करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि आदिवासी भोला होता है, लेकिन आदिवासी की ताकत को भी मैं जानता हूँ। और इसलिए उससे एक विनती करूंगा, हे भोले शंकर, एक बार हमको भी आशीर्वाद दो। और उनकी प्रामाणिकता है जो कर्मठ पुजारी नेतृत्व करने की प्रदर्शन करता है, इससे क्षेत्र का विकास होगा, यह क्षेत्र विकास की मूलधारा में आएगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश मोह शहर से 20 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम बानकपुर में वैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में मध्य रात्रि 12 बजे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पट खोलते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों की उपस्थिति रही। देखिए गौरव नेमा की खास रिपोर्ट। Yeah, I'm gonna go.
विधानसभा चुनाव 2018 को दृष्टिगत रखते हुए आज नवीन कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के नेतृत्व में बाहर से आए अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों व जिला पुलिस बल के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक की गई, जिसमें दमोह जिला का संक्षिप्त परिचय एवं आवश्यक जानकारियां बाहर से आए अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्णिमा की रात्रि में शहर के विभिन्न मंदिरों व भजन मंडलियों के द्वारा रात्रि जागरण किया जाता है। उसी क्रम में फुटेरा वार्ड स्थित वर्ल्ड वॉर हनुमान मंदिर व पलंदी चौराहा स्थित राजीव नयन दीक्षित के निवास पर मध्य रात्रि में हरे नाम संकीर्तन किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का कल दमोह जिले में आगमन हो रहा है। इसको लेकर विभिन्न प्रकार की तैयारियां गवर्नमेंट स्कूल ग्राउंड में की जा रही हैं।